Auditory is the 8th cranial nerve. ऑडिटरी अब आपके ईयर में जाती है और आपका जो कान है वो दो काम करता है एक सुनने में हियरिंग में और एक बैलेंसिंग में एक ही ऑर्गन जैसे हार्ट है इसमें सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक दोनों के ही नर्व आ रहे हैं ऐसे कैरेक्टर को हम कहते हैं डूअल इनर्वेशन सेंसरी रिसेप्टर आपके बहुत सारे ऑर्गन में होता है आपके स्किन में होता है आपकी मसल में होता है इन छोटी छोटी जगहों पे होता है सेंसरी स्टिमुलस को कैच करने के लिए रिसीव करने के लिए ये जो न्यूरॉन्स है ये आके यहाँ पर साइनाप्स बनाएंगे इसके न्यूरॉन्स के साथ

सेंट्रल नर्वस सिस्टम कम्प्राइज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोट वेयर एज अ पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइज ऑफ ऑल द नर्व्स जितनी भी नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती हैं वो पार्ट होती हैं पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम का तो चलिए आज बेटा उन नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व्स राइट क्रेनियल नर्व्स वर्ड कहाँ से आया है ये आया है ब्रेन से तो जो नर्व्स ब्रेन से निकलती है उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं क्या कहते हैं क्रेनियल नर्व्स तो दीज आर दी नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम ब्रेन दैट अराइज फ्रॉम ब्रेन ब्रेन के अलग अलग हिस्सों से निकलती है जैसे आपका uh, हो गया मिड ब्रेन पॉन्स मेड्यूला ऑल फैक्ट्री लोब्स यहाँ से आती हैं ये राइट और ये कितनी होती हैं दे आर टोटल ट्वेल्व पेयर कितनी होती है बेटा बारह पेयर ये इनके नाम लिखे हैं लाइक फर्स्ट इज ऑल फैक्ट्री अब जो ऑल फैक्ट्री है बेटा जो ऑल फैक्ट्री है वो कहाँ से आएगी ऑल फैक्ट्री लोब से आएगी तो ये कहाँ से आती है ऑल फैक्ट्री लोब से और जाती है ऑल फैक्ट्री इपिथीलियम की तरफ जो ऑप्टिक है ये किस में जाती है बेटा आई में ये किस में जाती है नोज में ओक्यूलो मोटर भी आई में जाती है राइट तो इस तरह से सभी नर्व कहीं ना कहीं पर जाती हैं जैसे आपकी ट्रॉकलियर हो गई ट्राइजिमाइनल हो गई जो ट्रॉकलियर है बेटा वो भी आई में जाती है अब आई में इतनी क्यों जाती है ये विजन का काम करती हैं और ये मसल्स में जाती हैं। कहाँ जाती है मसल्स में ट्राइजिमाइनल बेटा आपके जॉ में जाती है इसको डेंटिस्ट नर्व कहते हैं जब भी डेंटिस्ट एनस्थीजिया लगाता है इसी नर्व में लगाता है देन वी हैव एबड्यूसन फेशियल ऑडिटरी ग्लोसोफेरेंजियल वेगस एसेसरी हाइपोग्लोसल तो इस तरह से बाकी नर्व्स भी कुछ कुछ काम करती हैं जैसे सबके हमें ज़रूरत नहीं है लर्न करने की हम सिर्फ इंपॉर्टेंट कवर करेंगे जैसे अगर मैं बात करूं बेटा फेशियल की जो फेशियल वाली है जैसे वो आपके टंग में जाती है ऑडिटरी जो है ईयर में जाती है फाइन जो आपकी वेगस है ये विजरल ऑर्गन्स में जाती है जो वेगस है बेटा इट्स द लॉन्गेस्ट वन सबसे लंबी होती है वेगस बहुत दूर है ना अमेरिका में अमेरिका से इंडिया बहुत दूर है तो वहां से याद कर लेना कि ये वेगस है और इट इज़ द लॉन्गेस्ट वन और ये विजल ऑर्गन में जाती है जैसे हार्ट में स्टमक में इंटेस्टाइन में यहाँ पर आपकी वेगस जाती है अब हमें याद इसमें और क्या चीज़ करनी है कि वॉट इज़ द नेचर ऑफ़ द करीनियल नर्व्स जब हमने तीन तरह की नर्व्स करी थी सेंसरी मोटर एंड मिक्स्ड तो वहां पे मैंने बताया था ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड न बी सेंसरी मोटर और मिक्सड तो अब इनकी तीन कैटेगरी है बेटा तो इसमें आपको याद कैसे करने है? आप सेंसरी आराम से याद कर सकते हो किस तरह से अगर आप यहाँ पर देखोगे आपके सेंस ऑर्गन क्या क्या होते हैं आपके सेंस ऑर्गन होते हैं नोस राइट तो ऑल्फेक्ट्री नर्व आपकी सेंसरी हो गई आपकी आइज ऑप्टिक और आपका ईयर ऑडिटरी तो फर्स्ट सेकेंड एंड एट फर्स्ट सेकेंड एंड एट ये आपकी सेंसरी हो गई ठीक है फाइव सेवन नाइन टेन याद कर लो आप ये टर्म फाइव सेवन नाइन टेन आपको याद करना होगा तो ये हो गई और बाकी जो बची वो सारी क्या होती और जो बाकी बचा वो आपकी मोटर हुई फाइन right? अब बात करते हैं ऑडिट्री की ऑडिट्री इज द एट्थ क्रेनियल नर्व ऑडिट्री अब आपके ईयर में जाती है और आपका जो कान है वो दो काम करता है एक सुनने में हियरिंग में और एक बैलेंसिंग में तो लाइक वाइज आपके कान में दो पार्ट हैं ये काम करने के लिए एक होता है वेस्टिब्यूल ये बेटा ईयर हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में एक होता है बेटा वेस्टिब्यूल और एक होता है कॉकलिया एक क्या होता है कॉकलिया जो कॉकलिया होता है कॉकलिया का काम क्या है कॉकलिया का काम है सुनना हियरिंग में तो वैसे ही हमने यहाँ पे ब्रांचेस बना दी एक वेस्टिब्यूलर ब्रांच होती है इसकी और एक कॉकलियर ब्रांच होती है राइट right? जो वेस्टिब्यूलर ब्रांच है ऑडिट्री नर्व की हम कहते हैं ऑडिट्री नर्व की दो ब्रांचेस है एक ब्रांच जाती है वेस्टिब्यूल में एक जाती है कॉकलिया में तो वेस्टिब्यूलर ब्रांच जो है ये कहा जाती है इट एंटर्स वेस्टिब्यूल इसका काम क्या है इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस Whereas, जो आपकी कॉकलियर है ये कहाँ जाती है इन द कॉकलिया ऑफ इनर ईयर इन कॉकलिया ऑफ इनर ईयर राइट ये जो है इसका काम क्या है बेटा सुनने में, hearing में तो याद रखना ये कान में भी काम आएगा कि कौन सी क्रेनियल नर्व है जो आपके ईयर में जाती है ऑडिट्री उसके कितने ब्रांच होते हैं बेटा टू ब्रांचेस हाउ मेनी ब्रांचेस टू ब्रांचेस एक होती है वेस्टिबुलर और एक होती है फाइन चलो इसके बाद अब हम बात करेंगे टंग की अब टंग दो काम करती है एक तो टंग का काम होता है टेस्ट और एक काम होता है मूवमेंट यही होता है यस yes no? टंग दो ही काम करती है एक काम होता है बेटा टंग का टेस्ट और दूसरा काम क्या होता है टंग का मूवमेंट टेस्ट कौन कौन से जो आपके नर्व्स है किसके मतलब आपकी जो क्रेनियल नर्व्स है कौन कौन सी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है फेशियल एंड ग्लोसोफेरेंजियल तो सेवन एंड नाइन इधर देखिए सेवन और नाइन सेवन इज फेशियल नाइन इज ग्लोसोफेरेंजियल बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट अगर मैं बात करूँ सेवेंथ की द सेवेंथ वन इनर वेट्स द एंटीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ टंग अगर ये एक टंग है टंग का जो आगे का दो तिहाई हिस्सा है ये वाला राइट right? इस पे कौन सी नर्व जाती है इस पे जाती है बेटा सेवन और ये क्या करवाएगी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वेयर एज बाकी के वन थर्ड पोस्टीरियर वन थर्ड पे कौन सी जाती है नाइन्थ और मूवमेंट के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल है आपकी हाइपोग्लोसल विच इज द ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्रीनियन

एक आपके नर्व स्पाइनल कोट से भी आते हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं सो व्हाट आर स्पाइनल नर्व्स द नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम स्पाइनल कोड जो नर्व स्पाइनल कोट से आए उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं जैसे क्रेनियल नर्व्स वो ट्वेल्व पेयर्स स्पाइनल नर्व्स आर थर्टी वन पेयर्स ये कितने होते हैं बेटा थर्टी वन पेयर दे आर थर्टी वन पेयर फाइन जो स्पाइनल नर्व है वो भी अलग अलग तरह की होती हैं लेट्स सी सबसे पहला जो है वो है सर्विकल सर्विकल में आते हैं एट पेयर तो पहले आठ पेयर क्योंकि सर्विकल वटिब्रा से निकलते हैं जैसे कि कल हमने देखा था कि स्पाइनल कोड वटिब्रल कॉलम के अंदर है और वहीं से उसके नर्व्स निकल रहे हैं राइट right? तो अगर आपके पहले आठ नर्व सर्विकल वटिब्रा के पास से निकल रहे हैं वो सर्विकल नर्व हो गए आगे वाले थोरासिक वटिब्रा से निकलेंगे तो बेटा वो क्या हो गए थोरासिक हो गए राइट right? वो क्या हो गए थोरासिक तो आपके जो अगले बारह पेयर होते हैं वो क्या होते हैं थोरासिक देन आपके पास लंबर आता है फाइव लंबर फाइव पेयर ऑफ लंबर देन वी हैव सेक्रम फाइव पेयर ऑफ सेक्रम राइट एंड देन द लास्ट वन काके और कॉक्सीजल तो कितना बचा आपने आठ सर्विकल को दे दिया बारह इसको दे दिया पांच पांच एक पेयर बचा सिर्फ और एक पेयर आपके कॉक्सीजल से निकलेगा और राइट तो अब आप बोलोगे मैम आपने तो कल स्पाइनल कोड लंबर पे ख़त्म कर दी थी बिल्कुल ठीक तो अगर मैं बोलूं बेटा ये आपकी स्पाइनल कोड है ठीक है लाइक दिस अब स्पाइनल कोड में मान लो एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ ठीक है ये निकल रही है यहाँ तक आपके सर्विकल वटिब्रा थे यहाँ पर आपके क्या थे सर्विकल वटिब्रा C7 सी सेवन तो ये आठ सर्विकल हो गई नर्व्स ऐसे ही इधर आपका टी ट्वेल्व होगा बेटा तो इसमें से जो निकलेंगी बारह वो आपकी कौन सी होंगी टी ट्वेल्व सॉरी इधर होगा वो आपकी बेटा कितनी होंगी वो क्या होंगी वो सारी आपकी थोरासिक होंगी अब यहाँ पर आपका एल था यहाँ पर एल था यहाँ पर एल टू यहाँ पर L3, L4, L5. अब यहां से भी ऐसे नर्व्स निकल रही होंगी तो स्पाइनल कोड तो वहां पर खत्म है है ना तो ये घोड़े की पूंछ की तरह लग रहा है लास्ट क्लास में बताया था कॉडा इक्विना कहते हैं इसे तो इसीलिए हमने इसको टर्म अपने

आपको बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने हैं सो दैट अगर वन पर्सन में भी आ जाए कोई क्वेश्चन तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो और एक चीज और जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मतलब दे सेंसरी एज वेल एज मोटर फाइन एनीवेज आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है वॉट इज ई अनादर नेम इसका दूसरा नाम है बेटा विजरल नर्वस सिस्टम क्या नाम है विजरल नर्वस सिस्टम वाई इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज ऑटोमैटिक इट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल इट्स इनवॉलेंट्री इट इज नॉट अंडर आर कंट्रोल और इसको हम विजरल क्यों कहते हैं बिकॉज इट एंटर्स विजरल ऑर्गन इसलिए इसे हम क्या कहते हैं बेटा इसे हम कहते हैं विजरल नर्वस सिस्टम अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है सबसे पहले बेसिक पे बात करते हैं बेसिक पे आते हैं हमारा एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम था ब्रेन एंड स्पाइनल कोड उससे जितनी भी नर्व निकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अब वो नर्व कुछ ऑटोमेटिक वाली हैं ये वाली और कुछ नर्व ऐसे हैं जो आपके वॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ठीक है थेके? जो आप अपने जो आपके कंट्रोल में है एक्शंस उनके लिए तो वो यूजुअली स्केलेटल मसल में जाती हैं और वो होती हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट और दूसरा बेटा आपका था ये वाला पेरीफिल नर्वस सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच इज़ ऑटोमेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं एक सिंपथेटिक एक पैरासिम्पथैटिक क्या दो पार्ट हैं बेटा इसके एक है पैरासिम्पथैटिक और एक है सिंपथेटिक ठीक है दोनों जो ये नर्वस सिस्टम है दोनों की अपनी अपनी नर्व्स होंगी और दोनों एक ही ऑर्गन को इनोवेट करेंगे कह लो दोनों की नर्व्स एक ही ऑर्गन में जाएंगी फाइन और दोनों ही दोनों का जो कह लो बनावट है वो ऑलमोस्ट सेम होता है दोनों का बनावट ऑलमोस्ट सेम होता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं बेटा ये एक CNS, मतलब ब्रेन या स्पाइनल कोड कुछ भी हो सकता है सी एन एस से दोनों की ही नर्व्स निकलेंगी मान लो ये सिंपथेटिक की नर्व निकली और ये पैरासिंपथेटिक की नर्व निकली दोनों की ही नर्व गैंग्लियन से जाकर मिलेंगी दोनों की ही नर्व गैंग्लियन से जाकर मिलेगी ऊपर वाला पैरासिंपथेटिक बना रहे नीचे वाला सिंपथेटिक हम देख रहे हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो सी एन एस में से सी एन एस में से बेटा न्यूरॉन्स निकलेंगे वो जाके किससे मिलेंगे वो जाके सबसे पहले गैंगलियन में साइनाप्स बनाएंगे अब ये सीधा न्यूरॉन ऑर्गन को नहीं जा सकता द रीजन इज क्योंकि ये बहुत छोटा है और कई जो लंबी होती हैं नर्व्स वो सीधा ऑर्गन को भी चली जाती है ऐसी बात नहीं है तो जो छोटी न्यूरोन्गे जो छोटी नर्व्स होंगी वो पहले एक गैंगलियन पे जाकर बैठेंगी किस पे जाके बैठेंगी गैंगलियन और यहाँ पर एक साइनाप्स बनाएंगी क्या बनाएंगी साइनाप्स और यहाँ पर बेटा ये सिक्रीट करेंगी न्यूरो जिनको हम कहते हैं एसिटाइलकोलीन क्या कहते हैं एसिटाइलकोलीन दोबारा से बता रही हूँ सिंपथेटिक और पैरासिम्पथैटिक कैसे बनता है इनमें जो छोटे न्यूरॉन्स होते हैं वो सबसे पहले गैंगलियन पर जाते हैं

अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों ऑपोजिट काम करते हैं कैसे काम करते हैं ऑपोजिट तो बेटा यहाँ पर अगर पैरासिम्पथेटिक का काम है हार्ट बीट डिक्रीज करना ठीक है हार्ट बीट डिक्रीज करना और सिंपथेटिक का काम है हार्ट बीट इंक्रीज करना अभी तक इनमें कोई भी फर्क नहीं है दोनों में न्यूरॉन आ रहे हैं दोनों में सेम न्यूरो ट्रांसमीटर से क्रिएट हो रहा है तो दोनों में अभी तक तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों सेम काम कर सकते हैं बट अब आगे जो होगा उससे डिफरेंट वर्क होगा राइट जैसे अगर मैं बोलूँ अब यहाँ पर अगला न्यूरॉन आएगा और ये हार्ट के ऊपर एस पे लगेगा अब यहाँ पर जो न्यूरो रिलीज होगा वो होगा ए जिससे हार्ट बीट कम हो जाएगी आगे अगर मैं बात कर रही हूँ सिंपथेटिक में सिंपथेटिक में जो न्यूरॉन आएगा वो क्या सिक्रीट करेगा वो सिक्रीट करेगा बेटा एड्रिनलिन क्या सिक्रीट करेगा एड्रेनालिन जिससे हार्ट बीट तेज होगा आपको भी पता है एड्रेनालिन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स एंड इट इज ऑल्सो न्यूरो ट्रांसमिटर तो इसीलिए सिंपथेटिक एंड पैरासिपथेटिक दे बोथ वर्क ऑपोजिट टू इच अदर वर्क ऑपोजिट टू इच अदर कैसे इनका इनका न्यूरो ट्रांसमिटर अलग है ये डिसाइड करता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा राइट right? अदरवाइज दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है पहले ये सी एन एस से इनके नर्व्स निकलेंगे वो किसी गैंग्लियन पे जाएंगे वहाँ पे अगले न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन देंगे विद द रिलीज ऑफ न्यूरो फिर वो आगे न्यूरॉन जाएगा कहाँ पर एक ऑर्गन पे अब अगर मान लो आपको हार्ट बीट कम करनी है तो मतलब पैरासिम्पथेटिक से इंफॉर्मेशन आएगा यहाँ ए निकलेगा हार्ट पे जाएगा ए देगा, देगा हार्ट बीट लो हो जाएगा अगर हार्ट बीट बढ़ाना होता है उस टाइम पर का आएगा, पे करेगा और हार्ट पे जाएगा बोथ वर्क ऑपोजिट टू ईच अदर तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आते हैं की नोट्स क्या आते हैं सबसे पहली बात दे बोथ वर्क ऑपोजिट टू ईच अदर जिसे हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक बिहेवियर क्या कहते हैं एंटागोनिस्टिक बिहेवियर तो पहली बात पहला बेटा क्या है they both work, they both work opposite जिसके लिए हम एक टर्म भी यूज करते हैं बायो में विच इज इंग्लिश वर्क ओनली एंटागोनिस्टिक टू इच अदर ठीक है अब दूसरा पॉइंट अगर आप देख सकते हो एक ही ऑर्गन पे सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक दोनों के नर्व आ रहे हैं एक ही ऑर्गन जैसे हार्ट है इस पे सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक दोनों के ही नर्व आ रहे हैं ऐसे कैरेक्टर को हम कहते हैं डूअल इनर्वेशन मतलब डूअल मतलब बोथ इनर्वेशन मतलब एंटर करना कि एक ही ऑर्गन पे दोनों की एंट्री है एक ही ऑर्गन के ऊपर राइट सो वॉट इज डूअल इनरवेशन दी ऑफ

इसका क्या मतलब होता है कि दोनों ऑपोजिट ही काम कर रहे हैं व्हाट डज इट मीन बेटा जैसे मैंने कहा हार्ट बीट सबसे पहला हम पॉइंट लेते हैं हार्ट बीट का अगर हम यहाँ पर लिखें पैरा और यहाँ पर लिखें सिंपथेटिक नाउ लेट सी हाउ डू दे वर्क बिकॉज इसके क्वेश्चन आते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो गिवन इन अ लॉट ऑफ चैप्टर्स ये बहुत सारे चैप्टर्स में भी आपको मिलेगा तोड़ तोड़ कर जैसे हमने uh, बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन में किया था कि आप हार्ट बीट को बढ़ा भी सकते हो कम भी कर सकते हो अगर पैरासिम्पैथेटिक है आपके हार्ट के ऊपर काम कर रहा है तो आपकी हार्ट बीट क्या होगी कम अगर सिंपैथेटिक काम कर रहा है तो आपकी हार्ट बीट बेटा क्या होगी ज्यादा होगी आगे हम बात करते हैं सलाईवरी ग्लैंड की जब भी बेटा डर लगता है फ्लाइट एंड फाइट रिस्पांस होता है तो आपका सिंपैथेटिक काम करता है फाइन अब मान लो आपको डर लग रहा है हम कहते हैं ना डर से मुंह सूखता है मतलब आपके सलाइवरी ग्लैंड काम नहीं कर रहे वो म्यूकस नहीं दे रहे तो मतलब जब भी आपको डर लगेगा आपका सिंपथेटिक रिस्पॉन्स होगा जिसमें सिंपथेटिक रिस्पॉन्स में ये इनहिबिट हो जाएगा मतलब रुक जाएगा और यहाँ पर ये सिक्रीशन करवाएगा यहाँ पर सिक्रीशन होगा तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीशन करवाता है वेयर एज सिंपथेटिक उसे इनिबिट करता है तभी जब डर लगता है तो सिंपथेटिक रिस्पॉन्स चलता है और उस टाइम पर आपका गला सूखता है आपका मुंह सूखता है आगे बेटा आगे हम बात करते हैं आपके यूरेनरी सिस्टम की यूरेनरी ब्लैडर अगर यूरेनरी ब्लैडर की मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यूरिन नीचे आएगा तो ये कौन करता है पैरासिंपथेटिक तो पैरासिंपथेटिक ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा जिससे यूरिनेशन होती है ये यूरिनेशन करवाता है वेयर एज ये क्या करेगा रिलैक्स जिससे देर विल बी नो यूरिनेशन देर विल बी नो यूरिनेशन राइट right? तो इस तरह से कैसे जब सिंपैथेटिक रिस्पांस होता है तो आपके बहुत सारे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा बंद हो जाते हैं आगे हम ल, आ, स्वेट ग्लैंड की बात करते हैं जब भी बेटा डर लगता है हम कहते हैं ना डर से पसीना छूट रहा है तो जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं स्वेट ग्लैंड पे स्वेट ग्लैंड पे पैरासिंपथेटिक का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता वेरा सिंपथेटिक क्या करता है ये इनको काम करवाता है स्टिमुलेट करता है राइट तो दीज वर सम ऑफ द इफेक्ट्स कि किस तरह से सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक ऑपोजिट काम करते हैं हमने ये देखा राइट right? दूसरा बेटा एक हम और करेंगे इसमें ब्रोंकाय के बारे में मसल्स इन ब्रोंकाय ब्रोंकाई समझते हो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है वॉट इज ब्रोंकाई ब्रोंकाई इज रेस्पिरेटरी पैसेज जो सिंपथेटिक है सिंपथेटिक में क्या है आपको भागना है ठीक है आपको भागना है और भागते वक्त आपकी सांस तेज होगी तो मतलब एयर ज़्यादा आएगी तो आपको ब्रोंकाई की मसल को क्या करवाना है ऐसे करवाना है कि जो ब्रोंकाई है वो डायलेट हो जाए तो ये क्या करवाता है सिंपथेटिक इट डायलेट दी ब्रोंकाई ओपनिंग खोल देता है ताकि ब्रीदिंग ज़्यादा हो ये क्या करवाता है बेटा कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है

अनप्लानिस्पॉन्स टू अस मतलब आपने कुछ प्लान नहीं किया था तुमने सोचा नहीं था अपने आप हो गया क्योंकि एक स्टिम्यूलाय मिला एक क्या कह लो एक स्टिमुलस मिला स्टिमुलाय प्लूरल जैसे आप बचपन में सुनते हो हॉटप्लेट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो ना आपने गरम चीज को हाथ लगाया और आपका हाथ एकदम पीछे हो गया क्या आपने सोचा था वो चीज़ गरम है क्या आपने ये चीज़ सोच समझ कर पीछे किया नहीं वो अपने आप हो गया इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन बेटा किसका बनता है इसमें क्या क्या ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं फर्स्ट वॉट इट इज मेड अप ऑफ और रिफ्लेक्स आर्क भी कह देते हैं इसे सबसे पहले बेटा क्या चीज इन्वॉल्व होगी इसमें इन्वॉल्व होगा एक सेंसरी रिसेप्टर व्हाट इज सेंसरी रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्टर एक सेल की तरह होता है जिसके पास एक सेंसरी न्यूरॉन लगा होता है क्या लगा होता है एक सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी रिसेप्टर आपके बहुत सारे ऑर्गन में होता है आपके स्किन में होता है आपकी मसल में होता है इन छोटी छोटी जगहों पे होता है सेंसरी स्टिमुलस को कैच करने के लिए रिसीव करने के लिए और साथ में इसमें लगा होता है बेटा एक सेंसरी न्यूरोन दिस इज दीट सेंसरी रिसेप्टर ये न्यूरोन जो सेंसरी होते हैं जिनको हम ए फ्रंट न्यूरोन भी कहते हैं इनका काम क्या होता है जो भी इंफॉर्मेशन है सी की तरफ लेकर जाओ एंड सी एन एस कंप्राइज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड दोनों ही हो सकते हैं एक भी हो सकता है दोनों भी हो सकते हैं राइट अब इसमें सी एन एस का काम क्या होता है कि अब मोटर मोटर न्यूरोन या ई फ्रंट न्यूरोन मोटर न्यूरोन या ई फ्रंट न्यूरोन की हेल्प से ये इंफॉर्मेशन कहाँ पर दो ये दो एक विजरल ऑर्गन में कहाँ पर दो एक विजरल ऑर्गन में या फिर स्मूद मसल में या फिर स्केलेटल मसल में राइट right? ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें आपके एक रिफ्लेक्स पाथवे में होती है या इससे हम रिफ्लेक्स आर कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने गर्म चीज को हाथ लगाया था लगाया था तो आपके यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर था उसने इंफॉर्मेशन किसको दी? दिया आपके मान लो स्पाइनल कोड को अब ये था सी एन एस स्पाइनल कोड अब वहां से इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन की हेल्प से आपके इस मसल में गया मसल ने आपका हाथ पीछे कर दिया तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं आपके रिफ्लेक्स पाथवे में या रिफ्लेक्स आर्क में अब यहां पर जो हम एग्जाम्पल लेंगे अब आप बड़े हो चुके हो तो आप हॉट प्लेट एक्सपेरिमेंट से तो नहीं काम चला सकते तो अब यहाँ पर आप जिस एग्जाम्पल को अभी हम पढ़ेंगे वो है नी जर्क रिफ्लेक्स वो क्या है बेटा नी जर्क रिफ्लेक्स ओके नी जर्क रिफ्लेक्स क्या है ये नी जर्क रिफ्लेक्स मान लो बेटा ये आपका नी है ये आपकी लेग है दिस इज योर नी नी कैप इधर होता है नी कैप अब आपके थाई में ये आपकी थाई है ठीक है इस थाई में एक ऊपर की तरफ मसल होती है जिसका नाम है क्वाड्रिसेप और एक नीचे मसल होती है जिसका नाम है हैमस्ट्रिंग क्या है हांस्ट्रिंग? हांस्ट्रिंग मसल जो नीचे होती है थाई के इसका काम होता है हैमस्ट्रिंग इस मसल का बेटा काम होता है आपकी टांग को फोल्ड करके रखना अब जिस लोकेशन में पोजीशन में टांग है मतलब हैमस्ट्रिंग काम कर रही है जो क्वाड्रिसेप्स है इसका काम क्या होता है आपकी टांग को सीधे रखना क्या काम होता है आपकी टांग को सीधे रखना इस तरह से भी एकदम ऐसे लंबी जो ऐसे बेंडिंग है ये हैमस्ट्रिंग का काम है सीधे रखना क्वाड्रीसेप का काम है जब आपके मसल में बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग हो जाती है मान लो क्वाड्रिसेप मसल खिंच गई जब ये खिंचती है तो यहाँ पर लगा टेंडन भी खिंचता है टेंडन टेंडन क्या होता है? कनेक्ट्स मसल टू तो यहाँ पर बेटा टेंडन लगा, right, right, right. लगा होगा तो टेंडन भी खींचेगा जब मसल की स्ट्रेचिंग हुई तो टेंडन की भी स्ट्रेचिंग हुई और टेंडन पे लगे होते हैं बेटा सेंसरी रिसेप्टर ये लगा सेंसरी रिसेप्टर ये सेंसरी रिसेप्टर पे लगा है सेंसरी न्यूरॉन जो कहां पर जाएगा आपकी स्पाइनल कोड में कहां पर जाएगा स्पाइनल में ये लो ये स्पाइनल कोड है ठीक है ओके ये कहां पर गया बेटा स्पाइनल कोड में ओके दोबारा से बता रही हूं यहाँ पर क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेचिंग हुई तो टेंडन की भी स्ट्रेचिंग होगी और यहाँ पर क्या है ये ये है सेंसरी रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्टर किससे लगा होता है सेंसरी न्यूरॉन से लगा होता है या फिर इसे हम और क्या कहते हैं एफ्रंट न्यूरॉन अब ये एफरंट न्यूरॉन कहा जाएगा बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इस केस में ये क्या है स्पाइनल कोड है अब स्पाइनल कोट की डोर्सल साइड ये है तो डोर्सल साइड में बेटा सेंसटिव न्यूरोन होते हैं वेंट्रल में मोटर अब ये वाला जो आपका न्यूरॉन है ये जो न्यूरॉन है ये क्या करेगा ये आगे साइनाप्स बनाएगा मोटर के साथ किसके साथ साइनाप्स बनाएगा मोटर के साथ तो मान लो ये मोटर है मोटर के साथ साइनाप्स बनाया अब मोटर जाएगा क्वाड्री के पास और क्वाडरी को बोलेगा क्या कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो जिससे जो टांग है वो कैसी हो जाएगी बेटा ऐसे सीधी हो जाएगी इस डायरेक्शन में उठेगी राइट right? सो so यहां पर कौन सा न्यूरॉन आया इंफॉर्मेशन लेकर मोटर और इफ़ राइट right? और यहां पर ये क्या बना बेटा ये बना साइन ऐप तो ये था एक नीज रिफ्लेक्स जिसमें इस मसल की स्ट्रेचिंग हुई

एक ही रिफ्लेक्स एक ही सैन बना है अब आपने एन में देखा होगा बेटा यहां पर एक और रिफ्लेक्स दिखाया गया है जिसमें ये न्यूरॉन पहले अपना सैन बनाता है एक इंटर न्यूरॉन से फिर इंटर न्यूरॉन आगे मोटर न्यूरॉन से जुड़ता है और ये हैमस्ट्रिंग्स पे जाके लगता है तो ये एक अलग रिफ्लेक्स चल रहा है दिस इज़ द इनिबिट्री रिफ्लैक्स ये रिफ्लैक्स का काम है कि ऊपर वाले रिफ्लैक्स को काम करने दीजिए और हेमस्ट्रिंग आप चुप करके बैठ जाइए ये रिफ्लेक्स क्यों चल रहा है यहाँ पर यह रिफ्लैक्स चल रहा है टू स्टॉप द फंक्शन ऑफ हेम्पस्ट्रिंग सो दैट हेमस्ट्रिंग अपना कहीं कॉन्ट्रेक्शन ना कर दे और टांग फोल्ड की फोल्ड ही रह जाए क्योंकि हमारा मकसद है टांग को सीधे करना राइट right, बेटा तो ये वाला जो रिफ्लेक्स है दिस इज नॉट अ नीजक रिफ्लेक्स rather it is a inhibitory reflex इसमें दो सिनेप्स बनते हैं कितने सिनेप्स बन रहे हैं इसमें दो बन रहे हैं तो ये क्या हुआ पॉली सिनेप्टिक फाइन तो यहाँ पे जो ऊपर वाला है दिस वन इज अ नीजक क्योंकि एक रिफ्लेक्स में बेटा एक ही पूरा आर्क बन सकता है ये तो अनदर रिफ्लेक्स अनदर आर्क हो गया सो यू विल नॉट कंसीडर इट इन द नीजक रिफ्लेक्स ओके okay? तो बेटा हम ये एनिमेशन से देखते हैं कि किस तरह से नीजक रिफ्लेक्स होता है जैसे पे हिट किया ठीक है हिट करने के बाद सेंसरी रिसेप्टर से आप देख पा रहे हैं ये सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से ये डॉर्सल रूट गैंगलियन से निकलता हुआ इम्पल्स जाएगा आपके इस पोर्शन में ये ग्रे मैटर होता है हॉर्न वाला रीजन हमने किया था ग्रे मैटर होता है राइट तो यहाँ पर गया और यहाँ पे सैन स मोटर के साथ अब तो मोटर न्यूरॉन फाइनल कोर्ट से निकलता हुआ वेंट्रल साइड से आपके मसल्स की ओर जाएगा किसकी ओर जाएगा मसल्स की ओर तो देखो यहाँ पर ये ये ट्रांसफर हो रहे हैं हैं पल्स बहुत बहुत फास्ट होते हैं, पे तो धीरे धीरे दिखा रहे हैं तो ये यहाँ पर जाएगा और मसल क्या करेगी कॉन्ट्रैक्ट लेग की मसल और जो टांग है ये एकदम आपकी ऊपर उठ जाएगी तो अभी देखना ये जो टांग है ये ऊपर उठेगी सीधी हो गई राइट तो ये होता है आपका नीटक रिफ्लेक्स तो अब अब अगर हम बात करें कि आपके रिफ्लेक्सेस कितने तरह के हैं बेटा तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे हमारे रिफ्लेक्सेस दो तरह के होते हैं हमारे रिफ्लेक्सेस दो तरह के होते हैं एक होता है मोनोसैनाप्टिक और एक होता है पॉलीसैनप्टिक मोनोसैनाप्ट रिफ्लेक्स क्या होता है बेटा

जैसे ही फूड आया तो इसके सेंसरी रिसेप्टर सी एन एस को दिया सी एन एस से इंफॉर्मेशन आया एंड देयर इज सिक्रिएशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्टिव एंजाइम कभी भी ऐसे ही नहीं पड़े होते देयर इज रिफ्लेक्स दैट गोज ऑन और फिर वो रिफ्लेक्स से डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन होता है राइट बच्चे सो so ये रिफ्लेक्सेस हुआ आपका एक तरह का विजल रिफ्लेक्स ओके सो दे आर यूजली पॉलीसानप्टिक एंड दे आर मोनोसानप्टिक कौन सा फाइन तो ये था बेटा आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या फायदा होता है रिफ्लेक्सेस का वॉट इज द फायदा ऑफ रिफ्लेक्सेस रिफ्लेक्स का फायदा होता है कि यहाँ पर आपकी मसल स्ट्रेच हुई थी ये कैसे भी हो सकती है मान लो चलते चलते एकदम से स्ट्रेच हो गई या कोई चीज लग गई घुटने पे आज जैसे होता है ना बेड का नुक्कर लग जाता है लगता है ना बिल्कुल वैसे तो आ, ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं इनका काम होता है टू प्रोटेक्ट योर बॉडी आपकी मसल को एक्सेसिव स्ट्रेचिंग से ये बचाएगा फाइन सो तो दीज आर दी वेरियस टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस एंड दिस वाज रिफ्लेक्स एक्शन एक्शन होता है रिस्पॉन्स देना कोई एक्शन करके दिखाना यहाँ पर एक्शन क्या था ये टांग सीधी हो गई फाइन ऑल एंड जो भी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क एंड जो पूरा सिस्टम है रिफ्लेक्स पाथवे भी उसे कह देते हैं अब हम करेंगे बेटा सेंसरी रिसेप्टर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्या होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स दे आर दी रिसेप्टर्स दैट रिसीव दैट रिसीव सेंसरी स्टिमुलस जैसे पीछे हमने टेंडन के ऊपर पीछे बेटा हमने टेंडन के ऊपर ये एक सेंसरी रिसेप्टर बनाया था बनाया था तो ये कौन सा इंफॉर्मेशन ले रहा था सेंसरी फॉर एग्जाम्पल ये जो नी है या तो ये किसी चीज़ से हिट कर गया या अगर आपको एक्सपेरिमेंट करके देखने डॉक्टर का हैमर आता है छोटा सा घर वाला हथौड़ा नहीं ठीक है उससे तो टूट जाएगा तो वो उसको जब एकदम से हिट करते हैं तब भी रिफ्लेक्स शो होता है तो मतलब आपने सेंसरी रिसेप्टर को वो दर्द वाला स्टिमुलस दिया राइट तो वो एक सेंसरी स्टिमुलस था तो ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं बेटा ये अलग अलग टाइप के होते हैं अगर हम स्टिमुलस के अकॉर्डिंग इनको अगर हम अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस क्लासिफाई करें तो इनकी क्या कैटेगरी है अगर कोई आपके पास मैकेनिकल स्टिमुलस है तो रिसेप्टर होगा मकैनो रिसेप्टर मैकेनिकल स्टिमुलस जैसे अभी हमने हल्का सा डॉक्टर्स हैमर मारा था या आपको चोट लगी आपका बेड का साइड लग गया बिल्कुल वैसे दूसरा होता है बेटा अगर आपका जो स्टिमुलस है वो लाइट है तो वो हुआ फोटो रिसेप्टर अगर आपका स्टिमुलस कोई केमिकल है तो वो हुआ कीमो रिसेप्टर और अगर आपका स्टिमुलस कोई टेम्परेचर है तो थर्मो रिसेप्टर ठीक है तो हम बात शुरू करेंगे थर्मोरिसप्टर से थर्मोरिसप्टर में स्टिमुलस क्या होता है बेटा टेम्परेचर ये कहा मिलते हैं दे आर प्रेजेंट इन डरमिस ऑफ स्किन अब बेटा किस तरह से छू कर हाथ से आप पता लगा लेते हो कि चीज ठंडी है या गर्म है ठंडी चीज जैसे, जैसे बर्फ रख दो तो बर्फ का अलग आता है और आपका अगर इसके ऊपर कोई गर्म चीज रख दो उसका अलग आएगा क्यों क्योंकि इनके रिसेप्टर भी अलग होते हैं जैसे कैलो रिसेप्टर कैलो रिसेप्टर इज अ टाइप ऑफ थर्मोरिसेप्टर विच इज फॉर अ हीट एंड फ्रिजिडो फ्रिज में चीज़ रखते हैं तो ठंडी हो जाती है तो फ्रिजडो रिसेप्टर इज फॉर ठंडी चीज़ कोल्ड कीमो रिसेप्टर ये क्या टेस्ट करते हैं बेटा केमिकल अब ये केमिकल आपके फूड में भी हो सकता है ये सराउंडिंग एयर में भी हो सकता है तो उसी अकॉर्डिंग हमारे पास होते हैं ऑल्फेक्टो रिसेप्टर्स ऑल्फेक्टो आर फॉर स्मेल एंड गस्टैटो आर फॉर टेस्ट देन वी हैव फोटो विच आर फॉर लाइट ये है आपके रेटिना के अंदर कहाँ होते हैं बेटा ये रेटिना में राइट और फैक्टो रिसेप्टर आपके नोज में होते हैं गस्टेटो आपके टंग में होते हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे मकैनो रिसेप्टर में कोई भी स्टिमलेस मकेनिकल हो सकता है इसमें आते हैं बेटा एक जैसे आपके नौसी रिसेप्टर्स नौसी रिसेप्टर होते हैं पेन वाले जैसे किसी ने स्विच भो दी नीडल आपको ऐसे लगती है ना डॉक्टर ऐसे लगाता है तो वो आपको पेन फील होता है क्यों बिकॉज आपके स्किन में कुछ फ्री नर्व एंडिंग्स हैं जिनको नोसी रिसेप्टर्स कहते हैं राइट सो दे आर फॉर पेन फ्री नर्व एंडिंग्स इनको फ्री नर्व एंडिंग्स भी कह देते हैं दे आर ऑल्सो फॉर पेन इसके अलावा बेटा मकैनो में आपके पास जो हमने यहाँ पर किया था यहाँ पर यह भी एक तरह का मकैनो रिसेप्टर है ये कौन सा है ये है प्रोप्रियो रिसेप्टर ये क्या है प्रोप्रियो रिसेप्टर प्रोप्रियो यूजली आपकी चेंज इन पोजिशन चेक करता है ठीक है ये आपके मसल में टेंडन में यहां कहीं होते हैं क्या चेक करता है ये चेंज इन पोजिशन आप भाग रहे हो तो ये स्टिमुलेट हो जाएंगे इसके अलावा बेटा आपके पास होते हैं स्टार्टो रिसेप्टर विच आर फॉर बैलेंस अभी हमने किया ना ईयर का एक काम बैलेंस वाला होता है तो ईयर में वेस्टिब्यूल में आपके स्टैटो रिसेप्टर्स होते हैं इसके अलावा होते हैं टैंगो रिसेप्टर्स ये स्किन में होते हैं टैंगो किसके लिए होता है बेटा टैंगो होता है टच एंड प्रेशर ये भी आपके स्किन में होते हैं डर्मिस ऑफ स्किन आपके स्किन के बेटा अलग अलग लेयर्स होते हैं एक ऊपर वाली होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं अगर ये स्किन बनाऊ मैं आपकी तो स्किन में दो लेयर्स होती हैं एक ऊपर वाली ये जिसे एपिडर्मिस कहते हैं एक ये होती है जिसे डर्मिस कहते हैं तो यूजुअली आपको ये सारे रिसेप्टर्स डर्मिस में मिलेंगे प्री नर्व एंडिंग्स आपको एपिडर्मिस में मिलती है फाइन तो बेटा ये थे आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स आगे चलते हैं और हम डिटेल में करेंगे आज ऑल फैक्टो एंड गो लेट्स टॉक अबाउट लेट्स टॉक अबाउट रिसेप्टर्स ओके ऑल रिसेप्टर्स कहां होते हैं दे आर प्रेजेंट इन ऑल फैक्ट्री इपिथीलियम नाउ वेयर इज योर ऑल फैक्ट्री इपिथीलियम ऑलफैक्ट्री एपिथीलियम होती है नोज में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में नाक बनवाया था ना तीन रीजन बताए थे मैंने आपको भूल गए याद करना कॉपी में जाके देखना तो देर प्रेजेंट इन ऑल फैक्ट्री इपिथिलियम इन नोस इन ठीक है अब ध्यान से देखिएगा आपकी जो ऑलफैक्ट्री इपिथीलियम है उसमें जो मेन सेल है वैसे तो उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं बट उसमें जो मेन सेल है वो ऑल्फेक्टो रिसेप्टर सेल है ऑल्फेक्टो रिसेप्टर सेल्स इनका काम क्या होता है दे आर फॉर स्मेल दे आर मॉडिफाइड बाईपोलर न्यूरो वॉट आर दे दे आर मॉडिफाइड दे आर मॉडिफाइड बाईपोलर न्यूरो जो भी आपके सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं बेटा ये मॉडिफाइड न्यूरॉन्स ही होते हैं ठीक है क्योंकि अगर ये मॉडिफाइड न्यूरॉन नहीं होंगे तो इनके पास प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी नहीं होगी और ये अपना काम आगे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे तो यहां पर इमेजिन करो ये एक ऑल फैक्टर रिसेप्टर सेल है ऑल फैक्ट्री पिथिलियम में राइट right? क्योंकि ये मॉडिफाइड बायोपोलर न्यूरॉन है तो थोड़ा थोड़ा उसके जैसा ही दिखता है साथ में बेटा इसके होते हैं सपोर्टिंग सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल के नीचे प्रेजेंट होता है बेजल सेल क्या प्रेजेंट होता है बेजल सेल तो दिस इज बेजल सेल इसके अलावा यहां पर होती है एक ग्लैंड जिसका नाम है बोमन्स ग्लैंड और ये ग्लैंड सिक्रीट करती है बेटा म्यूकस क्या सिक्रीट करती है म्यूकस फाइन लेट्स लेबल देम अप दम व्हाट इज दिस दिस इज ऑल रिसेप्टर सेल दिस इज सपोर्टिंग सेल जो इनका काम सिर्फ सपोर्ट करना है और साथ में छोटे से पड़े हैं बेजल सेल बेजल सेल्स आर सेल इनका काम होता है नए रिसेप्टर सेल्स बनाना बाइक आपका जो ये ऑल्फेक्टो रिसेप्टर सेल है इसके नीचे ये छोटे छोटे सिलिया लगे होते हैं क्या लगे होते हैं सिलिया और ये डिप होते हैं बेटा ये डिप होते हैं एक म्यूकस की लेयर में किसमें म्यूकस की लेयर में जैसे कि मैंने आपको बताया ये बोमेंस ग्लैंड है एक आप करते हो बोम कैप्सूल वो होता है बेटा आपके एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में एक है ये ये कैसे क्रिएट करेगा म्यूकस और ये म्यूकस एक मोटी ताजी लेयर बनाकर यहाँ पर बैठ जाएगी तो ये म्यूकस है दिस ऑल इज म्यूकस ठीक है म्यूकस की क्या जरूरत है अभी पता चलेगा ये जो ऑल रिसेप्टर सेल है इनके साथ ये न्यूरोन लगा है ये न्यूरोन बेटा आगे जाएगा ऑल फैक्ट्री लोब्स में कहा जाएगा ऑल फैक्ट्री लोब्स में सो दिस इज ऑल फैक्ट्री लोब ठीक है ये ऑल फैक्ट्री लोब होता है पूरा स्ट्रक्चर ये होता है ऑल फैक्ट्री बल्ब और ये होता है ऑल फैक्ट्री ट्रैक्ट ये क्या है ऑल फैक्ट्री ट्रैक्ट और ये पूरा स्ट्रक्चर है ऑलफेक्ट्री लोब, राइट ये जो सॉरी हो जाता है <laughs> ये जो बेटा स्ट्रक्चर है पूरा ये ये न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरोक्टोर रिसेप्टर सेल से आ रहे हैं ये जो न्यूरॉन्स है ये आके यहाँ पर साइनाप्स बनाएंगे इसके न्यूरॉन्स के साथ जिससे ये सारी इंफॉर्मेशन किसको देंगे ब्रेन को देंगे ब्रेन के कौन से पार्ट को देंगे टेम्पोरल लोब ऑफ थे ना हमने डिफरेंट लोब्स फ्रंटल टेम्पोरल ये सब तो होता क्या है मान लो आपने परफ्यूम छिड़का आपने क्या छिड़का परफ्यूम छिड़का उसमें कोई ना कोई तो केमिकल होगा कोई ना कोई केमिकल होगा जिसकी वजह से आपको अरोमा आ रहा है होगा ना या जैसे घर पे मैगी बनती है तो मैगी बनती है चाहे किसी साथ वाले के घर बन रही हो ऐसे खुशबू आती है

बल्ब से ट्रैक्ट ट्रैक्ट से टेम्पोरल लोब ऑफ एंड यू विल फील दैट सेंसेशन. फाइन. और यहाँ पर ये एक मेमरी की फॉर्म में भी स्टोर हो जाता है जैसे अभी मैंने कहा होगा कि मैगी की खुशबू तो तुम उस मैगी की खुशबू को फील कर सकते हो चाहे मैगी ना भी बन रही हो बिकॉज दैट इज इन दम ऑफ मेमरी या कह लो अगली बार जैसे आपने पहली बार कोई परफ्यूम स्मेल किया ठीक है अब अगली बार कोई अगर वो परफ्यूम लगा के आएगा तो आप बोलो आप ऐसे सोचोगे यार ये स्मेल जानी बेचानी सी है है ना बिकॉज दैट स्मेल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेमरी आपकी एक मेमरी बन चुकी राइट right? तो so ये कैसे काम करता है बेटा इसके बारे में हमें लिखना होगा सबसे पहले केमिकल ओके लेट मी यूज एन अदर कलर केमिकल इन एयर diffuses into mucus chemical binds to cilia of olfactory receptor cell इसके बाद क्या होगा इसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड और फिर इम्पल्स इज ट्रांसफर्ड टू ऑल्फैक्ट्री लोब राइट तो बेटा ये जो न्यूरॉन आ रहा है ना सेंसरी ये वाला ये एक नर्व ही नर्व की फॉर्म में आएगा तो ऑलफेक्ट्री लोब से जो नर्व आती है वो क्रेनियल नर्व होती है ऑल्फेक्ट्री नर्व राइट चलो अब आई थिंक दैट इज मोर क्लियर टू यू तो ये इसके बाद कहाँ जाएगा टू टेम्पोरल टेम्पोरलो तो इस तरह से आप स्मेल लेते हैं या स्मेल करते हैं इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट सेंसेशंस को अब ऑलफैक्टो रिसेप्टर सेल हर एक सेंसेशन के लिए अलग होता है फॉर एग्जांपल फॉर जैसे मैंने कहा एक मैगी है मैगी के लिए अलग होगा परफ्यूम के लिए अलग होगा अलग अलग परफ्यूम के लिए अलग होगा सो देर आर मिलियंस ऑफ रिसेप्टर सेल्स इन योर बॉडी मोस्ट ऑफ देम आर डिस्ट्रॉयड और फिर वो दोबारा नए बन जाते राइट right? फीमेल में आपने देखा होगा स्मेल की सेंसेशन ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू मेल्स राइट तभी जो मेल के परफ्यूम्स होते हैं उसमें हमेशा लड़कियों को स्मेल करते दिखाते हैं दिखाते हैं क्योंकि स्मेल फीमेल में स्ट्रॉन्ग होती है ड्यू टू हॉर्मोन्स दैट्स एस्ट्रोजन तो उसकी वजह से जो सेंसेशन ऑफ स्मेल है वो और बढ़ जाती है राइट right? चलो एनी दिस वॉज अबाउट दी ऑल फैक्टो रिसेप्टर सेल्स नेक्स्ट है बेटा गस्टैटो रिसेप्टर्स गस्टैटो आर फॉर टेस्ट they are for taste where are they present they are present in taste buds और टेस्ट बर्ड्स बेटा कहाँ होते हैं टंग में ये तो आपने सुना होगा इसके अलावा पैलेट में भी होते हैं और आपके फैरिंग्स में भी होते हैं यहाँ होते हैं ठीक है अब ये कैसे दिखते हैं आपके टंग के ऊपर छोटे छोटे पिट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको पैपिले कहते हैं उनके अंदर टेस्ट बर्ड होता है so, the, uh, tongue, तो इफ दिस इज इफ दिस इज द बेस ऑफ द बेस में ऐसे छोटे से कुएं से बने होंगे इनको हम क्या कहते हैं पैपिले और पैपिले के अंदर होते हैं टेस्ट बर्ड्स राइट तो so, ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं बेटा इनमें क्या होता है एक होता है गस्टैटो रिसेप्टर सेल गस्टैटो रिसेप्टर सेल कैसा दिखता है बेटा इसमें ऊपर माइक्रोविलाई होगी और नीचे न्यूरॉन तो होगा ही होगा क्योंकि ये तो मस्ट है फॉर अ सेंसरी रिसेप्टर अगर उस सेल में न्यूरॉन नहीं होगा तो वो किसी भी हाल में सेंसरी रिसेप्टर नहीं कहलाएगा तो यहां पर आपके पास बेटा क्या है ये है माइक्रोविलाय और ये है न्यूरॉन और ये सेल का नाम क्या है गस्टाटो रिसेप्टर राइट इसके अलावा इसके पास भी सपोर्टिंग सेल्स होंगे सपोर्टिंग सेल्स बिल्कुल इसके जैसे दिखते हैं बट फर्क क्या है इनमें नीचे न्यूरॉन नहीं होता ठीक है सो दीज आर सपोर्टिंग सेल्स और यहाँ पर द रिसेप्टर सेल और जैसे कि वहाँ पर हमने बनाए थे कि बेजल सेल आर स्टेम सेल विच गिव राइज टू न्यू ऑल फैक्टो रिसेप्टर सेल वैसे इसके पास भी बेजल सेल होंगे सो दीज आर सपोर्टिंग सेल

इस माइक्रोविलाई पे लग गया अब यहां पर एक्शन पोटेंशियल जेनरेट होगा और वो जाएगा आपके पेराइटल लोम में कहाँ जाएगा पेराइटल बिल्कुल सेम है जैसे वहां पर केमिकल लगा था तो इसमें क्या होगा केमिकल इन फूड जैसे कि सॉल्ट बाइंड्स टू माइक्रोविलाई एंड जेनरेट एक्शन पोटेंशियल करवानी है और वो इंफॉर्मेशन आगे चला जाएगा एंड जेनरेट एक्शन पोटेंशियल राइट तो ये थे बेटा आपके गस्टेटो रिसेप्टर विच आर फॉर टेस्ट एंड देन हमने किया था ऑल फैक्टोरिसेप्टर विच आर फॉर मेल राइट right?

स्टार्टो किसके लिए थे टेस्ट के लिए प्रोप्रियो किसके लिए थे बैलेंस के लिए ये मसल या टेंडन में होते हैं एंड नोसिवर फॉर पेन फाइन तो आंसर बना टू तो efferent efferent, so, एक रिफ्लेक्स पाथवे में बेटा एक सेंसरी neuron भी था एक मोटर भी था सेंसरी को एफरंट कहते हैं एंड मोटर को efferent. सो so, बोथ होगा आंसर थ्री रिफ्लेक्स पाथवे किया ना हमने ये अरे ये रहा तो इसमें हमने एक सेंसरी बनाया था मोटर भी तो दोनों को होना जरूरी है रिफ्लेक्स का मतलब यही तो होता है ना बॉल गई और वापस आई जस्ट लाइक दिस तो जाने के लिए भी आपको क्या चाहिए सेंसरी न्यूरॉन आने के लिए आपको मोटर न्यूरॉन ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा सिंपोथेटिक न्यूरोन सिक्रीट डैश नियर दिजरल सिंपथेटिकल कौन सा न्यूरोट करते हैं ए सी एच नहीं करते हैं इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाना अगली क्लास में हम पढ़ेंगे I. All right. So I'll meet you in the next class. Till then, bye bye. Take care.